जिले के करवी तहसील अंतर्गत आरके सिंह हॉस्पिटल रंगोली में सभी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल बांदा चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल द्वारा खुलवाया गया है, जो चित्रकूट जिले के लिए सबसे बड़ी देन है। वहीं मौके पर डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर नीरज सागर, सुशील श्रीवास्तव, सत्यम अग्रहरी जानकारी देते हुए बताए कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, हार्मोन्स टेस्ट सहित ऑक्सीजन की उत्तम व्यवस्था की गई है। इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता दिनेश सिंह कुशवाहा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं आरके सिंह हॉस्पिटल पर। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सहित तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हीं सभी हम व्यवस्थाओं के लिए आज जायजा लेने पहुँचे हैं रगौली में, जहाँ पर आरके सिंह हॉस्पिटल है। अभी हम बात करेंगे, जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और जो स्टाफ हैं उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही परिजन जो यहाँ भर्ती हैं पेशेंट उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ आपको यहाँ मिल रही हैं और डॉक्टरों द्वारा किस प्रकार से यहाँ उपचार दिया जा रहा है। जी अरे जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमर सिंह जी। मैं यहाँ पे आया हूँ ये सोच के कि ये गांव का बहुत रूरल एरिया है और मैं यहाँ स्टे करके 24 घंटे यहाँ की सेवा दूंगा, और जो लोग जैसे गरीब लोग हैं उनको कम पैसे में इलाज होगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली है, तो मैं यहाँ काम करने के लिए ये प्लान करके आया हूँ, जो कि हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं जैसे एबीजी मशीन है, एचएफएनसी है, वेंटिलेटर है, सीआम है, एक्सरे, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसा कि ऑक्सीजन की मारामारी बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो रहा पेशेंटों को, मरीजों को, तो अभी हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे मरीजों के लिए। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर हैं जो जंबो सिलेंडर हैं, और जितने भी पेशेंट हैं उन्हें पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ जी। अभी हमारे साथ है जो मरीज हैं उनके परिजन हैं, उनसे भी जानते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं आपको। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतहर खान है और मैं कानपुर से आया हूँ जी। और कानपुर में जैसे कि मैं अपनी माता जी का इलाज करने गया था तो वहाँ पे बेड नहीं मिलने की वजह से, और मैंने काफ़ी कानपुर प्रयास किया पर मुझे हॉस्पिटल नहीं मिला, नहीं मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी न बेड की। तो जब मैं एक हॉस्पिटल दिखाया तो डॉक्टर साहब को डिफरेंस मुझे यहाँ मिला कि आरके सिंह हॉस्पिटल रगौली में जाएँ आप तो वहाँ आपको 24 आवर ऑक्सीजन की व्यवस्था मिल जाएगी, जो मेरी माताजी को बहुत ज़रूरत थी। और दूसरा एचएफएनसी मशीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उस वक्त उसी मशीन से सर्वाइवल हो सकता था मेरी माता का, जो कि और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ मुझे वो मशीन भी अवेलेबल मिली, ऑक्सीजन भी, और बहुत ही कम पैसे में डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं 24 आवर, और दिन में 4 बार आते हैं, 5 बार आते हैं जब बुलाइए। और अभी माता जी का मेरी कंडीशन पहले से बेहतर है और यहाँ पे सुविधाएं को लेके हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन जो अभी इस वक्त ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, तो 24 आवर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिसिन से लेके एचएफएनसी मशीन की बहुत रिक्वायरमेंट थी जो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद यहाँ मिले, बट सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से। जैसा कि सुना आपने और मरीजों द्वारा भी बताया जा रहा है कि तमाम प्रकार की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और ये चित्रकूट जिले में सबसे बड़ी देन है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था लगभग चित्रकूट जिले में तो है ही नहीं लेकिन आसपास भी नहीं है। ये जो व्यवस्था की गई है तो माननीय सांसद आरके सिंह पटेल बांदा चित्रकूट द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए, गरीबों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि जो मरीज हमारे गाँव देहात के मरीज दूर तक जाते हैं और वहाँ इलाज की सुविधा सही रूप से नहीं मिल पाने के कारण पहली बात तो जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं मरीज, और यदि पहुँच भी गए हॉस्पिटल तक तो पैसे के अभाव पर दम तोड़ देते हैं। चित्रकूट।